दोस्तों पोको ने लॉन्च कर दिया है पोको F4 5G को, जियो की कमाल का फोन है। कमाल का इस फोन में आपको फीचर दिया गया है और इस फोन का प्राइस है 6GB 128GB का 27,999 रुपया। और इसी प्राइस रेंज में एक और फोन आता है जिसका नाम है मोटो S30। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी दोनों फोन की कंपैरिजन करेंगे, कौन सा फोन बेस्ट है और कौन सा फोन आपको लेना चाहिए अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, बेस्ट गेमिंग चाहिए या बेस्ट कैमरा चाहिए। इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए सबसे पहले लेके आता रहता हूं। तो इसी के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले हम पोको F4 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन में आपको ग्लास का बैक मिलेगा और इसके साथ पॉलीकार्बोनेट की बैक, साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, पोको की ब्रांडिंग। और इसके साथ आपको इस फोन की अगर वेट के बारे में बात करते हैं तो इस फोन का वेट आपको 200 ग्राम के आसपास होने वाला है। और इसके साथ इस फोन की अगर थिकनेस के बारे में बात करें तो ये फोन आपको 7.7 mm के मोटाई के साथ आती है। और दूसरी तरफ मोटो S30 के बारे में बात करते हैं तो मोटो S30 में आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक मिलेगी, पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम, ट्रिपल लेयर कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। मोटो की आपको ब्रांडिंग देखने को पीछे में मिल जाएगी। और इसके साथ इस फोन की अगर वेट के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में आपको ये फोन काफ़ी हल्का होने वाला है, जो कि है 55 ग्राम के आसपास इस फोन का वेट है। इस फोन की अगर थिकनेस के बारे में बात करते हैं तो इस फोन का थिकनेस आपको 6.8 mm के थिकनेस के साथ आती है। तो अगर आपको हल्का फोन और पतला फोन चाहिए तो आप मोटो S30 के साथ आप जा सकते हैं। और फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो पोको F4 में आपको 6.6 इंच की फुल HD+ ई सुपर एमोलेड देखने को मिल जाएगी इस फोन में। इसके साथ आपको 120 GHz के रिफ्रेश के साथ ये फोन आएगा। इसके साथ आपको 320 Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट आपको देखने को मिल जाएगी। और उसी दूसरी तरफ मोटो S30 के बारे में बात करते हैं तो मोटो S30 में आपको 6.5 इंच की आपको फुल HD+ OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि एक 144 GHz के रिफ्रेश के साथ ये डिस्प्ले आता है। और इसी के साथ टच सैम्पलिंग रेट आपको 320 Hz के टच सैम्पलिंग रेट के साथ ये फ़ोन आती है। अगर आप गेमिंग को लेके स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो मोटो S30 के साथ आप जा सकते हैं। अगर बेस्ट डिस्प्ले आपको लेना है, वीडियो कंज्यूम और बेस्ट डिस्प्ले लेनी है तो आप पोको F4 के साथ आप जा सकते हैं। इसके साथ परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो परफॉर्मेंस में पोको F4 में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी, जो कि एक कमाल का परफॉर्मेंस आपको ये प्रोसेसर देने वाला है इस फोन में। और वही मोटो S30 के बारे में बात करते हैं तो मोटो S30 में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G+ का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप फोन लेना चाहते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस तो आप पोको F4 के साथ आप जा सकते हैं। के साथ इस दोनों फोन में आपको LPDDR4 के रैम के साथ ये दोनों फोन आती है। और इसके साथ आप एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड आप इस फोन में नहीं लगा सकते हैं, 2 नैनो सिम का आपको दोनों फोन में आपको स्पेस दिया गया है। इस दोनों फोन की अगर कैमरा के बारे में बात करते हैं तो पोको F4 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा के साथ फोन आता है, जिसमें कि आपको मेन लेंस आपको 64 MP का मिलता है, जो IS के साथ आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 MP का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगी, और 20 MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगी। रियर से आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 60 FPS पे, और सेल्फी कैमरा से आप 1080p पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पे। और इसके साथ यही मोटो S30 के बारे में बात कर लेते हैं तो मोटो S30 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा के सेटअप के साथ ये भी फोन आती है, जिसका कि मेन लेंस है 50 MP का, जो कि OIOS के साथ आती है। और इसके साथ आपको 50 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 MP का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगी, जो कि आप रियर कैमरा से वीडियो शूट कर पाएंगे 4K तक का 60 FPS पे। और इसके साथ आपको सेल्फी में आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो कि आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पे। तो दोस्तों अगर आप बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप मोटो S30 के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि इस फोन में आपको 50 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस प्लस मेन लेंस देखने को मिलता है। इसके साथ बैटरी के बारे में बात करते हैं तो बैटरी में आपको पोको F4 में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक 67 W के सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ बॉक्स में ये फोन आता है, जो कि पोको क्लेम करता है कि आपको 38 मिनट में आपका 0 to 100% मोबाइल चार्ज हो जाएगी। और वही मोटो S30 के बारे में बात करते हैं तो मोटो S30 आपको पतला फोन मिलता है, तो आपको बैटरी भी आपको कम ही देखने को मिलेगी, जो कि है 4020 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 33 W के सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ आपको ये फ़ोन बॉक्स में मिलता है।
अगर आप बेस्ट बैटरी के बैकअप के साथ बैटरी बैकअप के साथ आप फोन लेना चाहते हैं तो आप पोको F4 के साथ आप जा सकते हैं। लास्ट में इस दोनों फ़ोन की अगर प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो इस दोनों फ़ोन का प्राइस आपको 6GB 128GB का प्राइस पड़ता है 27,999 रुपया और 8GB 128GB का पड़ता है 29,999 रुपया। अगर आप बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप मोटो S30 के साथ जा सकते हैं। बेस्ट डिजाइन और हल्का फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप मोटो S30 के साथ जा सकते हैं। और इसके परफॉर्मेंस, बेस्ट स्मार्टफोन, बेस्ट बैटरी, बेस्ट चार्जिंग, इस सब के साथ आप जा सकते हैं। जाना चाहते हैं तो आप पोको F4 के साथ जा सकते हैं। मुझे तो पोको F4 काफ़ी पसंद आया। आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट बताइए। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आता रहता हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।